गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉन्डरिंग ल्यूपस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलना हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में हूँ, ये देखिए। और प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ नैनीताल, तो अभी चलते हैं। रास्ते से भाई लोगों को पिक करना है और आपसे बात करते हैं तब, जब वो सब मिलेंगे। तो फाइनली हम लोग तीनों इकट्ठे हो गए हैं, मोहित, देवांग और मैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बस हमने गाड़ी में डीजल डला लिया, ये देखिए, और निकलते हैं अब अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हरिद्वार क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए बिजनौर वाली रोड पर और एक जगह पर रुके हैं कुछ खाने के लिए। ये है मेरा प्रोटीन शेक, प्रोटीन पी रहा हूँ। और बस अब एक्चुअली में क्या है कि अभी कैसे भी करके 12:30 तक हमें पहुंचना है काशीपुर। वहां पर थोड़ा काम है, वहां पर रुकेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी रास्ते में ऐसा कुछ था नहीं शूट करने के लिए, तो ऐसा कुछ शूट नहीं किया है। तो बस अब आगे चलते रहेंगे और देखते हैं ये। और ये देखिए रोड ऐसा है, और ये अपनी गाड़ी, और ये भाई लोग भी सब गाड़ी के अंदर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग अपना खाना साथ में ही लेके आए हैं, ये देखिए ये लोग खा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जसपुर और छोटा सा एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया है। और हम लोग रुके हैं ये एक संधू ढाबा, ये देखिए संधू होटल एंड रेस्टोरेंट। ये खड़ी गाड़ी, ये भाई लोग अपनी डाइट निकाल रहे हैं और मैं खाऊंगा कुछ पराठा टाइप्स। तो अंदर चलते हैं और साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आ गया है मेरा, और ब्रेकफास्ट में ये देखिए गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा। तो फटाफट से अभी ये खाया जाएगा और फिर निकलते हैं। अभी प्लान में चेंज हो गया है, हम लोगों ने काशीपुर में होटल में रूम ले लिया है और हम लोग इधर स्टे कर रहे हैं। और क्यों स्टे कर रहे हैं वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि क्यों इधर स्टे कर रहे हैं। तो अब नैनीताल का प्लान थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है और आज की रात हम लोग काशीपुर में स्टे कर रहे हैं। और अब यहाँ पे क्यों स्टे कर रहे हैं और क्या रीज़न है, हम सब ये बताएंगे। हम सब साथ में हम तीसरा है हमारा गेम के लिए बॉडी बिल्डिंग, जो हमारा इंडिया के सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, अगर हम लोग सेलेक्ट होते हैं तो हम इंडिया खेलेंगे मिस्टर। तीसरा वो रहा, तीसरा ऐप देखो नंगा हो रखा है। इधर देखो, इधर नाइस, इधर नाइस भाई, नाइस। चल बढ़िया। तो बस अब आपको पता चल गया क्यों आए हम लोग यहाँ, इसने सारा सस्पेंस खराब कर दिया है। तो अभी मैं ये रामलीला ग्राउंड काशीपुर में आ गया हूँ, जहाँ पर ये आज बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है और जहाँ पर सिलेक्शन हो गया कि कौन मिस्टर उत्तराखंड बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी यहाँ की जो तैयारियाँ चल रही हैं। पहले तो देखिए सारी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, पार्किंग है, और ये जो है ये स्टेज तैयार हो रहा है, ये सारा का सारा, ये देखिए। और अभी स्पॉन्सरशिप का पता कुछ नहीं है। और अभी सामने जो है ये वेइंग सेक्शन है, यहाँ पर वेइंग हो रही है सारे कंटेस्टेंट्स की। तो अभी देहरादून से जो लड़के आए हैं उनकी वेइंग हो रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वेइंग कैसे होगी। तो वेइंग सेक्शन में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो जो अपने जो लड़के आए हुए हैं खेलने के लिए दोनों, उनका वेट बिल्कुल सही आया है। तो बस अभी हम लोग होटल के रूम में जा रहे हैं अपने, अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद आगे की देखेंगे क्या करना है। अब देखते हैं कितने बजे गेम शुरू होएगा। तो बस जब गेम शुरू होएगा तब आपको दिखाएंगे कि क्या है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे रूम पे। वी आर ऑल सेट टू गो। तो सब कुछ रेडी है, रेस्ट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में। वेइंग आपने देख ही लिया है, वेइंग में कितना भीड़ था, बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हुए हैं अलग अलग वेट कैटेगरी के। तो बस अब टाइम हो गया है 6:45 और कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो बस सीधा आप चल रहे हैं ग्राउंड में और वहाँ पे कैसे है क्या है वो
वो सब आपको वहीं पर दिखाऊंगा, और पूरा का पूरा जो कॉन्टेस्ट का टाइम है, पूरा का स्टेज सारा का सारा आपके साथ शेयर करा जाएगा। तो फिर चलते हैं ग्राउंड में और मिलते हैं आपसे ग्राउंड में। तो ग्राउंड में पहुंच गया हूं और ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पे तैयारी हो चुकी है स्टार्ट होने की कंपटीशन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है। और पहले तो आप भीड़ देखिए कितनी हो रही है। ये पार्किंग है ऐसी, और ये देखिए कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं इतने सारे, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं कितनी सारी। और ये सामने स्टेज है और ऑलमोस्ट अभी तैयारी चल रही है, सब कुछ लाइट्स वगैरह सब रेडी हैं, कैमरामैन सब आ चुके हैं, और सब अनाउंसमेंट होने वाली है कि पहले क्या होगा, पहले कौन सा कॉन्टेस्ट होगा, अनाउंसमेंट की तैयारी है बस। तो बस जैसे स्टार्ट होता है तो आपको मैं दिखाता हूँ अपने साथ, बस वेट करते हैं स्टार्ट होने का। तो चलिए आप भी वेट करिए तब तक मेरे साथ। तो अभी एक कॉम्पिटिशन तो शुरू हो चुका है, ये काशीपुर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेज की पोजीशन, शूटिंग आप सुनी रहे हो पीछे बन जाइए, बैक करो भाई सर। लाइट चली गई है, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, बस लाइट जा चुकी है। तो वेट करते हैं लाइट आने का, कितनी देर में आती है देखते हैं। तो स्टार्ट हो गया कंपटीशन नेक्स्ट लेवल, अभी 50-55 वाली कैटेगरी। तो 50-55 में है ना, तो ये खेल रहा है अपना। मैं 50-55 नहीं हूँ, 55-60। तो अभी 55-60 वाली कैटेगरी शुरू हो गई है और मैं अभी ग्रीन रूम में हूँ। तो आप ये देखिए ग्रीन रूम का नज़ारा, तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और भीड़ देखिए कितनी है। ये सब यहाँ पर देखिए, सबको कलर लगाया जा रहा है, ट्रिम लगाया जा रहा है, टैपिंग करी जा रही है और सब रेडी हो रहे हैं। तो बस अपना ये खेल रहा है दीवान, तो बस अब इसको तैयार करा जाएगा। तो चलो फिर इसको लेके चलते हैं स्टेज पे जल्दी से। तो मैं दिखाता हूँ आपको टैनिंग कैसे करी जाती है, ये देखिए। जो भी बॉडी बिल्डिंग करेंगे उनको एटलीस्ट ये हेल्प करेगा, ये टंग स्प्रेड कर ऐसे टैनिंग कर जाती है। और ये है ड्रिंक, इसके बाद बॉडी पे लोग इसका जो पूरा प्रॉपर कोटिंग करेंगे, रोलर रब करके करेंगे ताकि अच्छे से डेफिनेशन आए और अच्छे से मसल जो है बिल्कुल अच्छे से दिखे उनके। तो टैनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अभी, और ये देखिए रोलर से इसको रब दिया जा रहा है। ये देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ प्रॉपर आपको, अंदर की तरफ ना, अंदर के थोड़ा वाइट करना। हाँ चॉकलेट। तो ये भाई की टैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो बस अब इसको पंप के लिए थोड़ा हटा रहा था। चॉकलेट कहाँ है इसकी, चॉकलेट है का? पहले स्टेज की स्टेज पे जाना है, इसको पंप करना है, उसके बाद फ्लेक्स, इसके साथ फ्लेक्स, फ्रंट ओवर का नीचे सर सामने स्माइल देनी और बढ़िया जी स्माइल सर, फ्रंट लाइट्स पे हाथ में पड़ाइए, हाथ में आइए बस ये और दबा ये पीछे को दबा के, ठीक है पीछे रुक, बिल्कुल शाबाश, होल्ड रुक जा, खड़े रह, कॉस्ट्यूम ठीक करो उसके अंदर, नहीं जान दो
बॉडी में नहीं लगाना है तो अभी जो 55 वाली कैटेगरी है उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि आगे बहुत दूर है तो मैं आगे जाऊँगा नहीं। तो टॉप 5 चुने जाते हैं, फिर इसके बाद अभी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 60 55 60 वाली। फिर जब ये सब हर कैटेगरी में से एक एक चूज करा जाएगा चैंपियन, फिर जब वो सब कैटेगरी के साथ जितनी भी कैटेगरी वो पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद ओवरऑल में एक चुना चूज किया जाएगा चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तो वो ओवरऑल उसको टाइटल मिला जाता है। 60 कैटेगरी के बाद अब जो है अभी मैन फिजिक है और मैन फिजिक के लिए ये अपना लड़का तैयार हो रहा है। अभी इसको देखो टैनिंग करी जा रही है, ये लक्की भाई हमारा कर रहा है टैनिंग, मोहित भाई कर रहे हैं, मोहित भाई बैठे हुए। अभी अगला इसी का है, अगला इसी का है, मेरा काम कुछ नहीं है, मेरे तो नीचे हो जाएगी बस इसके नीचे से। मेरा काम है तेरे फैक्ट्रिकों के पास जा जाके उनसे मजे ले लेते हैं। तो अभी मैन फिजिक्स शुरू हो गया और मैन फिजिक्स के जो कंटेस्टेंट है वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं ग्रीन रूम से निकल के। अब स्टेज पे तो मैं जा नहीं पाऊंगा तो मैं यहीं से शूट करता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ एक मिनट, फिजिक कंप्लीट हो चुका है और देवांग भी आ गया है हमारा, तो इसके लिए होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट कोई बात नहीं होता है। तो अभी 65 वाली कैटेगरी है तो मोहित जा रहा है, मोहित रेडी हो चुका है, हमारा भाई रेडी हो गया, बस मेन यही है इसके लिए हम आए हैं। तो ऑल द बेस्ट है इसको और देखते हैं अब ये क्या लेके आता है। तो चलिए इसकी कैटेगरी का वेट करते हैं रिजल्ट का। और ये सामने स्टेज है, अब 70 की वेट कैटेगरी स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो कंपटीशन ऑलमोस्ट पूरा निमट चुका है, अब भूख लगी है तो खाना खाने हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है संधू ढाबा, तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखते हैं खाने में क्या मिलेगा वैरायटीज़। ये है देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं संधू ढाबा में, तो अंदर देखते हैं अब क्या खाएँगे, वहीं अंदर ऑर्डर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर संधू ढाबा के और देखते हैं अपना डिनर। और मुद्दे की बात, मेन पॉइंट, टाइम मैं बताता हूँ, टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं रात के, हाँ तो हम इतना लेट आए हैं खाना खाने के लिए। ये पापड़ है, एक ही करा मोहित ने ऑर्डर किया स्पेशली अपने लिए। तो फाइनली डिनर इज हियर, ये देखिए डिनर में देखिए हम राइस खाते हुए आज ब्लॉग में आए हैं आपके। ये जो है ये बहुत दाल पापड़ चावल पापड़ ऐसे आपने चावल कभी देखे नहीं रोटी। अरे कुछ इन्होंने नॉन वेज भी ऑर्डर किया है, चिकन चिकन है, पनीर है, ठीक है। चलिए डिनर आ गया, फटाफट से डिनर करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, टाइम हो गया है क्या भाई, बस
डिनर करके आगे रूम में। अभी हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:06 दिन के, नहीं रात के, मतलब अर्ली मॉर्निंग 3:06। हालत हो रखी है कुत्तों जैसी, बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके हैं, आँखें नहीं खुल रही, नींद आ रही है बहुत तेज़, तो सो रहे हैं। आपसे बात करूँगा सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग ल्यूपस अगेन। तो अभी हम लोग ने रूम चेकआउट कर लिया है और बज रहे हैं सुबह के 8:30, हम लोग निकल रहे हैं वापस। अभी प्लान पहले रात को ये बन गया था कि हम लोग जाएंगे नैनीताल, लेकिन नैनीताल नहीं जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। तो फटाफट से टाइमली घर से निकलने, यहाँ से निकलना है ताकि टाइमली पहुँच जाए। पहला टोल आ गया है ये काशीपुर से बाहर निकलते ही देहरादून वाली रोड पर, और ये टोल की कीमत है 110 रुपये। ये सामने देखिए रोड बहुत अच्छा है, तो इसलिए टोल ये दुखता नहीं है। वन साइड का है 110, और अगर सेम डे हम वापसी रिटर्न एंड वापस दोनों टाइम का अगर लेते हैं, आने जाने का लेंगे, अगर ये टोल आने जाने का लेंगे तो 165 रुपीज़ का है। तो ये रहा सारा टोल प्लाजा। तो टोल क्रॉस करके जो जसपुर वाली रोड है, वहाँ पर एक बड़ा फेमस यहाँ पर ढाबा है, रिजॉर्ट है, संधू रिजॉर्ट, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी वहीं पे आ चुके हैं हम लोग भी, और ये देखिए वो है संधू होटल एंड रेस्टोरेंट, और बहुत अच्छा बना हुआ है, और बेसिकली ये जो है अपनी क्वालिटी के लिए और टेस्ट के लिए फेमस है। अगर कभी आप लोग जब भी इधर की तरफ आएँ तो संधू में ही खाना खाएँ, क्योंकि अच्छी जगह है, खाना अच्छा मिलता है। फाइनली लंच आ गया है, और ये भाई अपना लंच लेके आ रहे हैं। यहाँ का फेमस दाल मखनी, मटन कोरमा, और राजस्थानी मटन है ये, और वेजिटेरियन वालों के लिए है दाल मखनी, नॉन वेज वालों के लिए है राजस्थानी स्टाइल बना हुआ। तो अब फटाफट से बस खाना खाते हैं गर्मा गर्म, और फिर ना वापसी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपने लिए घर के लिए। अभी हम लोग एंटर कर गए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, नगीना आने वाला है, और एक और टोल प्लाजा आ गया है ये सामने आ गया है। अब ये काशीपुर से वापसी में सेकंड है जो टोल पड़ रहा है हमें, और इस टोल का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है वन साइड, और अगर दोनों साइड का लें तो 120 रुपीज़ चार्जेस देते हैं। देखते हैं अब फास्टैग कितनी देर में लेता है, आजकल यहाँ पे फास्टैग से क्या बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लो सर्विस है। चलो देखते हैं कितनी देर लगती है। चलो 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 चलो, बड़ा टाइम ले रहा है, खुल गया, ज़्यादा नहीं लिया आज, इंस्टेंट हो गया, क्योंकि जब कल हम आ रहे थे तो सारे टोल प्लाजा के सर्वर शायद डाउन थे, क्या था जो भी था, बड़ा टाइम लग रहा था। तो अब यहाँ से हरिद्वार रह गया है कोई 80 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और अभी तक जो पूरा रूट हमने फॉलो किया है जिस रूट पे हम चल रहे हैं, हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी पहुँच गए हैं हम लोग नगीना, और नगीना में जो आने का सिटी के अंदर आने का रीज़न है वो यहाँ का बड़ा फेमस जो तुलाराम स्वीट शॉप है वहाँ पे आए हैं, सिंस 1945। तो अभी अंदर वहाँ चलेंगे, वहाँ के गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम, वो मेरा फेवरेट है, ठीक है, वो इसका फेवरेट है, और बैठाया हमने वनीला आइसक्रीम का, वो खाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं तुलाराम हलवाई, वो रही सामने देखिए पुरानी दुकान। तो आप भी जब भी इस साइड आएँ तो तुलाराम पर ज़रूर आएँ, और यहाँ के गुलाब जामुन ज़रूर खाएँ। मतलब ये नगीना में वर्ल्ड फेमस है ना, नगीना का फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, नगीना में वर्ल्ड फेमस है भाई, नगीना का वो फेमस है। हाँ, तो वर्ल्ड फेमस होगा ही। हाँ, क्योंकि अपना उत्तराखंड का है, उत्तराखंड नहीं है, ये यूपी में आता है। हाँ, अबे यूपी में आता है। तो पहुँच गए अंदर, भीड़ देखिए, गजब की भीड़ हो रही है यहाँ पर, बैठने की जगह नहीं है, तो वेटिंग है कोई 1.5 घंटे की वेटिंग है, उसके बाद हमें खाने को मिलेंगे गुलाब जामुन। तो चलो वेट करते हैं हम भी 1 घंटा। तो ये आ गए हैं तुलाराम जी के फेमस गुलाब जामुन, देखिए
और ये यहाँ का फेमस रायता, और ये स्पेशल यहाँ के समोसे, तो तुलाराम जी के स्पेशल समोसे और गुलाब जामुन आ गए हैं गर्मा गर्म। ये देखिए दोबारा से, और बस अब खाना शुरू करते हैं फटाफट से, तो टेस्ट करा जाए कैसा है पहले। बेस्ट है, बस फटाफट से खाते हैं, वेट नहीं करेंगे, बाकी की बात है बाद में। बस तो गुलाब जामुन भी खा लिया है, समोसा भी खा लिया है, और हमने पैक भी करा लिया है घर के लिए। देखिए हमने पैक करा लिया क्योंकि यहाँ आओ और गुलाब जामुन खाओ तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर घर के लिए नहीं ले जाओ तो बहुत बुरी बात है, घर वाले बहुत गाली देते, तो इसलिए भैया घर वालों के लिए भी पैक करा के लिए जाना जरूरी है, तो इसलिए हमने भी पैक करा लिया है। तो बस मैं सिर्फ तुला राम के ही खाऊंगा। तुला राम स्वीट शॉप पे आने के लिए हमको हाईवे से अंदर सिटी में आना पड़ता है, अंदर सिटी मतलब जो पुराना यहाँ का NH था, नेशनल हाईवे पुराने वाला, मुरादाबाद हाईवे, तो वो दुकान वहाँ पर है, मेन हाईवे जो नया एक्सप्रेसवे बना है वहाँ पर नहीं है। हरिद्वार आ गया है और हम हरिद्वार से बाहर निकल गए हैं, क्रॉस कर लिया है, अब यहाँ से देहरादून रह गया है थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, एक घंटा लगेगा, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है। बस अब फटाफट से अब ये हो रहा है कि कब घर पहुँचे और कब आराम करें, थक के बुरे हालत हो चुकी है हम तीनों की। देहरादून पहुँच गए हैं और देहरादून में जो एक ही टोल है वो आ गया है, ये टोल पड़ता है लच्छीवाला में, तो लास्ट टोल है अब ये हमारे डेस्टिनेशन में, हमारे ऑन द वे ये है, और इस टोल का प्राइस है 95 रुपीस वन साइड, और ये देखिए भीड़ कितनी हो रही है फास्ट टैग में, और अगर कैश तो फिर डबल है, ये तो आप सब जानते ही अच्छे से, तो भीड़ देखो कितनी हो रही है टोल पे, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। तो बस ऑलमोस्ट देहरादून पहुँच ही चुके हैं, अब ज़रा दोनों भाई लोगों को ड्रॉप करना है एक एक करके, फिर उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊँगा। फाइनली रीच्ड होम, थके बुरी हालत हो चुकी है, बहुत लंबा ड्राइव किया, ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।